हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बड़ा पाव। और बड़े पाव के साथ जो ये हरी मिर्च होती है ना, उसका तो टेस्ट ही क्या कहना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ पोटैटोस, जिनको मैं अभी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ कुकर पे। तो जब तक ये बॉईल होंगे ना, तब तक मैं कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको आलू उबालने के लिए रखना है। जब तक आलू उबल रहे होंगे ना, तो हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर को चढ़ा करके गैस ऑन कर दिया है। अब दो सीटी आने तक हम वेट करेंगे। और यहाँ पर मैं अभी कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि इसमें प्याज की भी ज़रूरत होगी। और भी कुछ हरी सब्जियाँ, कुछ लोग पालक वगैरह का भी इसमें यूज़ करते हैं, जो कि हेल्दी होती है। तो आप भी आलू के साथ उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आलू का ही बनाने वाली हूँ टिक्कियाँ। तो उसमें ये प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर प्याज चॉप कर लेती हूँ। और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करूँगी। और इसके बाद थोड़ी सी लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं उसका यूज़ करूँगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सब्ज़ियाँ चॉप हो चुकी हैं और यहाँ पर आलू भी उबल चुके हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक टोकनी पे। और ये जब तक ठंडे होंगे, तब तक वेट करेंगे इनके ठंडे होने का। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनको छील लेंगे और इनका छिलका अलग कर लेंगे। और ये अभी भी थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे, तब भी मैं इन्हें छील रही हूँ, नहीं तो फिर खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अभी मैं इनको छील लेती हूँ। और छीलने के बाद यहाँ पर मैं इनको ग्रेट कर लेती हूँ ग्रेटर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले ग्रेटर का ही यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत जल्दी ही आलू ग्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो मैसर की हेल्प से इसे मसल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू, पूरे आलू का यूज़ मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, आधे आलू मैं रख दूँगी सब्जियों के लिए, और आधे आलू की ही टिक्कियाँ मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मेरे आलू जो हैं तो ग्रेट हो रहे हैं। और इसके बाद मैं इनकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो मैंने आलू ग्रेट कर लिया है। अब चढ़ाएंगे एक पैन गैस पर और उस गैस को ऑन कर देंगे, तेल गर्म करेंगे। और तेल गर्म होने के बाद हम उसमें कुछ जीरे चटकाएंगे। जब ये जीरे अच्छे से तड़क जाएंगे, चटक जाएंगे और गोल्डन हो जाएंगे, तब हम इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करेंगे। तो गैस अभी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब तेल ठंडा था, तो अभी ये जीरे जो है ना, तो तड़क नहीं रहे। और जैसे ही ये एकदम गोल्डन हो जाते हैं ना, इसमें डालना है हरी मिर्च, प्याज, और इसको अच्छी तरह से चला लेना है। और चलाते हुए इनको अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है। इन टिक्कियों में ना प्याज का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्याज अगर आप इसमें मैश मिलाते हैं। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक को कूट कर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले डालने हैं, जो किचन वाले बेसिक मसाले हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मैश किए हुए आलू और इनको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि आलू में कितनी जल्दी से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह से चलाते हुए इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक दो मिनट में ही सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और उनका फ्लेवर आलू में मिक्स हो जाता है। साथ में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ ढेर सारा, इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और हरा धनिया डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आलू को ठंडा कर लेंगे। जब तक आलू ठंडे नहीं हो जाते, तब तक आप इसे हाथ नहीं लगाएं, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। और जब आलू ठंडे हो जाएं, तब इनकी टिक्कियाँ बना करके आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद हमें एक घोल तैयार करना है, जो कि बेसन का होगा, जिसमें डिप करके हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच बेसन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं। और आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, ना तो ज़्यादा गाढ़ा रहे ना ही ज़्यादा पतला रहे। अगर पतला रहेगा तो पूरी कढ़ाई में फैलेगा और गाढ़ा होने पर टिक्कियाँ जो होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी बनेंगी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन सोडा मिलाने से बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इसे अवॉइड ही करें। और यहाँ पर तेल गरम करना है कढ़ाई में, और तेल यहाँ पर मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ।
और इसके बाद इन टिक्कियों को घोल में डिप करके और फ्राई कर लेना है और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक एक करके आपको सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेनी है और यहाँ पर टोटल मैंने 6 से 7 टिक्कियाँ ही बनाई थी। यहाँ पर मेरी टिक्कियाँ बन करके रेडी हो चुकी हैं और इसमें फ्राई हो चुकी हैं। आप चाहें तो इन्हें आलू बंडा भी कह सकते हैं। जैसे आलू बंडे की प्रोसेस होती है, बटाटा बड़ा की प्रोसेस होती है, सेम टू सेम ये वैसे ही बन करके रेडी होते हैं। अब टिक्कियाँ यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं। अब कुछ हरी मिर्च में चीरा लगा के मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ और इन मिर्चों को ना फ्राई करने से इनका तीखापन कम हो जाता है, बच्चे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वही वाला पैन ले रही हूँ जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पाव को सेंक रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेंक सकते हैं आपकी इच्छा, अगर आप नहीं सेंकना चाहें तो आप ऐसे भी पाव को सर्व कर सकते हैं। और ध्यान रहे इनमें पाव बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो आपको सेंकना हो तो आप सेंकें। और इसके बाद यहाँ पर एक कट लगाना है पाव में, बीच में रखना है टिक्की को और साथ में रखना है मिर्ची जिसे हमने फ्राई किया था। और अगर आप चाहें तो मिर्ची को हटा भी सकते हैं, मिर्ची नहीं खाते हैं तो। और साथ में यहाँ पर आप इसमें हरी चटनी और लाल चटनी भी लगा सकते हैं और ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इस जैसे मैंने इसमें चटनी नहीं लगाई है, आप चाहें तो हरी चटनी लगा सकते हैं। और हरी चटनी भी मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है साथ में इसके डिप करके खाने के लिए। तो हरी चटनी की रेसिपी मैंने कई बार अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी कोई सी आलू भुजिया लेनी है, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और खट्टे के लिए तो टमाटर, दही किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप 1 चम्मच और आधा या 1 टमाटर, और बस उसमें नमक और मिर्च डाल के और ये चटनी तैयार कर लेनी है। थोड़े से आइस क्यूब डाल दें, इससे चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, उसका कलर भी बरकरार रहता है। और यहाँ पर हमारा बड़ा पाव बनके हो चुका है रेडी विद चटनी, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और आप भी इसे घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मुंबई में तो ये फेमस ही है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।